भजाओ भजाओ फटे बाट दे। सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय द चैनल। दोस्तों आज शाम का टाइम हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरब का टाइम होने वाला है और अभी हम पहुँचे हैं अपने खेतों की तरफ। ये देखें जी, ये हमारी भिंडी उगाई हुई है हमने। इस साइड पे छोटे बकरों के लिए जंतर, उस साइड से बड़े माल के ज्वार का घास और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दरख्त हैं जी हमारी लैंड पे, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं जब बारिश होती है। वैसे भी खूबसूरत दिखाई देते हैं शाम के टाइम। और ये देखें जी दोस्तों, बारिश का पानी फ़िलहाल अभी तक भी खड़ा है। ये ज़मीन गीली है बिल्कुल। ये तकरीबन बारिश मुसलसल जब एक हफ़्ता होती रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे हैं अपनी कपास के पास। और जी ये देखें जी हमारी कपास है और यहाँ से जी हमारा दरख्त है। ये देखें माशाल्लाह जी, दरख्त कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त। और भाई उधर से स्प्रे कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं स्प्रे कैसे हो रही है। ये देखें जी, अगर आप देहात का काम नहीं जानते हैं तो देहात का काम चेक कर लें। ये होते हैं देहात की ज़िंदगी, ये है जी, ये देहात के लेवल है जी। ये देखें जी देहात का लेवल जो है ना, ये सामने देख सकते हैं आप, स्प्रे लगाई जा रही है कपास को। अभी बीमारी है, उसका वज़न जो है ना थोड़ा बहुत लगा हुआ है, वो है ज़्यादा रेस आ गई थी। वो देखें प्रेशर चेक करें उसका, ज़ालिम। वो देखें जी स्पीड चेक करें आप उसकी, और वज़न अभी आपको मैं चेक कराता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह जी, काफ़ी हद तक वज़न जो है ना ज़्यादा लग चुका है हमारी कपास को। मतलब ये है कि बारिश होने की वजह से जो है ना, पहले जो है ना थोड़ा सा वज़न इसने उठाया हुआ था, अभी ज़्यादा हो गया है। और यहाँ जूते चेक करें, कोई बच्चा यहाँ रख कर चला गया है, जूते अपने भूल गया, हम नहीं उठाएंगे, जिसके होंगे वो अपना दोबारा आके उठा लेगा। भजाओ भजाओ फटे बाट दे बराबर भजा, रनिंग रेस करवा आज मतलब। पानी की दुआ पे इंडो डैन लो, देख सकते हैं जी नई टैंकी हमने तैयार किया, उसका प्रेशर चेक करें। स्प्रे की बदबू यहाँ तक आ रही है, प्रेशर ज़्यादा है, हम नज़दीक नहीं जा रहे हैं कहीं। आप पास करके हम खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं तमाशा इसका। और फाइनली ये देखें जी आखिरी जगह पर पहुंच चुके हैं हम स्प्रे के लिए, तो अभी जा रहे हैं हम भी गुड बाय। और नमाज का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं नमाज के लिए, अज़ान हो चुकी है और तकरीबन हमें दो तीन मिनट लगेंगे मस्जिद में पहुँचने के लिए। हम थोड़ा दूर आ गए थे मस्जिद से, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह मस्जिद जाकर पहुँचते हैं। स्प्रे वाला काम हमने एड कर दिया है, रेडी मोटरसाइकिल से भजी दो। ये देखें जी कारनामे देखें पाकिस्तानियों के। और ये देखें जी माशाल्लाह मस्जिद, मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ कि कितनी दूर है और आप अंदाज़ा लगें, और हम कितने मिनट में पहुँच सकते हैं ये भी आप अंदाज़ा लगें। सामने जी वो रही मस्जिद, सामने आपको नज़र आ रही है, और हमें तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे। और आज की वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप सब दोस्तों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर। मिलते हैं चल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह बाय।